अस्सलाम वालेकुम और तमाम दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों को मेरा, फराह हुसैन का, मेरी पूरी टीम का बहुत प्यार भरा सलाम। दुआ और उम्मीद यही है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, क्योंकि हमारी उम्मीदें भी यही होती हैं, हमारी दुआएं भी यही होती हैं, हमारी कोशिशें भी यही होती हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं, उनसे इससे पहले कि मैं शिकवा करती कि आपसे मुलाकात बड़ी देर से हुई है, उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि आपसे मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। आज आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड और मेरे साथ तो सब लोग जो हिंद को, सराई की फोक को पसंद करते हैं वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना नाम और पहचान बहुत जल्दी बनाया, बहुत मुनफरिद बनाया और बहुत ज़बरदस्त बनाया। पूरी दुनिया में इनके शायकीन हैं और आज आप सब मिलने जा रहे हैं नईम हज़ारवी से। कैसे हैं हजारी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं हजारा की शान माशाल्लाह, लेकिन आपने लिफ्ट नहीं कराई। देखें, इतना अरसा, इतने जमाने के बाद इस्लामाबाद वापस आई हूँ तो आपसे मुलाकात हुई है। बस कुछ नसीब में शायद नहीं था। हाँ, नहीं था, लेकिन आप बड़े आदमी भी तो हो गए ना, बड़े फनकार हो गए, हिट हो गए, ये आपका वर्ल्ड टूर्स कर रहे थे, मसरूफ थे। हाँ, ये था कि हमारे कुछ इस तरह का, क्योंकि बीच में कुछ जब कोरोना आ गया था तो हमारे टूर्स जो है वो कैंसिल हो गए थे, तो फिर उसके बाद दोबारा हमने उन्हें कंटिन्यू किया, तो कुछ यूरोप या आगे पीछे इधर उधर। अब रोटी रोजी के लिए जाना तो पड़ता है। नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बस गल होनी चाहिए तको ना, दिल की दिल न रहो नी। हाँ। माशाल्लाह तुसा असानी गल भी समझने हो, असानी जबान भी समझने हो, ते मैं तुसा ना बहु फैन हूं। अच्छा, यकीन एक होना ना फैन, एक अन्ने हुआ फैन। नहीं, अच्छा। मुझसे बड़ी फैन नहीं हो सकते आप। कितने ऐसे फैन है वैसे पूरी दुनिया में जो आपका नाम सुनते ही बस पता चलना चाहिए कि नईम हज़ारवी जो है वो आ रहे हैं? लातादाद, क्योंकि जब भी गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, पहले से हट के और ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिले हैं, तो ये मेरे लिए वो काउंट करना बड़ा मुश्किल होगा। ये क्या, ये मतलब खुशकिस्मती है, कोई दुआ है, ये कोई अच्छा वक्त है, क्या चीज़, क्या कहेंगे आप इसे? मेहनत है आपकी? हाँ, नहीं, मैं जो देखें, हर इंसान को उस समझ आ रही होती है कुछ ना कुछ, तो एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये अल्लाह का करम है, और उसके बाद मेरे वालिद साहब की मुझे बड़ी दुआएँ थी, तो उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, वरना मुझे गाना भी इतना अच्छा नहीं आता, गुजारा करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसकी क्या वजह है, तो मुझे जो वजह नज़र आई है वो यही आई है कि मेरे वालदैन की, वालिद साहब की ख़ास तौर पे, उन्होंने मुझे बड़ी दुआएं दी, और उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी दुआओं ने असर दिखाना शुरू किया, और सिर्फ उनकी दुआएँ हैं बस। वाह, अरे चलो कोई गल नहीं की कहानी क्या है, यानी इतने अपने गाने और भी इतने थे, ये गाना जो था करके दिल को लगा है और सबके लगा है। हाँ, एकदम से इसके मिलियंस में व्यूइंग भी हो गई, हिट भी हो गया। जी जी, हर बंदे को पसंद इस तरह है कि वैसे तो मेरे काफ़ी टाइम से मैं इस फील्ड में था, 92-93 से मैं इस फील्ड में हूँ, और ये हमारा जो एल्बम था ये मेरे ख्याल में 2012-13 में ये आया था, तो जैसे हर दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसी तरह मैं गया हूँ रिकॉर्ड करने, तो वो ज़माना था ऑडियो कैसेट का, तो उस टाइम एक एल्बम में हमारे 5-6 गाने एक कैसेट में आते थे, तो वो अब मैंने 4-5 गाने हमने रिकॉर्ड कर दिए, तो बंदा थक जाता है। एक दिन में ही रिकॉर्डिंग थी, पेशावर में रिकॉर्डिंग थी, तो अब लास्ट एक और गाना रह गया, तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, अभी भी हैं मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कहा जी ये लास्ट वो वाला गाना करें जो उस दिन आपने मुझे गुनगुना के सुनाया, तो ये ज़रा साथ से साथ जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा नहीं यार, इसको छोड़ो, कोई और करते हैं, इजी सा करते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप इसको करें जो आपने मुझे सुनाया था। तो मैंने कहा ये नाराज़ हो जाएगा मुझसे कि कहेगा मैं इनके साथ भी आया हूँ, तो मैंने कहा अच्छा चलें बताएं। तो वो मुझे अभी भी याद है, वो किसी प्रॉपर किसी डायरी पे नहीं लिखा हुआ था, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा था। अंदर उसके जैसे डब्बी खोले, अंदर जो वाइट हिस्सा उसका था, उस पे वो लिखा हुआ था, तो फिर उसको मैंने कुछ थोड़ा वो आगे रखा थोड़ा सा इस तरह करके, तो हमने उसे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके हम वापस धुन बनी हुई थी, धुन मैंने इसकी खुद कंपोज की थी। सही।
और जब मैंने कहा ना कि जब ये अल्लाह ताला आप पे करम करता है तो वो फिर कोई वजह बन जाती है ना, तो कोई मैंने प्रॉपर हारमोनियम पे बैठ के धुन नहीं बनाई। ऐसे में गांव में ही था, ऐसे में चल रहा था, तो मेरे जहन में एक ख्याल सा आया, तो मेरे पास मोबाइल था, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करके फिर मैं एप्टबा चला गया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा सेट किया और वो मेरे अलसल कर रहा था, वही दोस्त एक दिन मेरे पास आया, वो सुन रहा था, उसने वो सुना, तो इसीलिए फिर उसने मुझे कहा कि आप इसको रिकॉर्ड करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके साथ वो जुड़ जाते हैं, लकी लोग होते हैं कि आप भी, आप पे भी बड़ा करम हो जाता है, आपकी किस्मत भी जानना शुरू होती है। तो वो वापस गए तो मुझे वो उनकी मोबाइल शॉप थी, तो वो उस पर वो लगा के सुन रहे थे, तो मुझे कहते हैं जी आज आप हमें मुझे खाना खिलाएं किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर। मैंने कहा किस खुशी में? कहते हैं सॉन्ग हमारा हिट हो गया। मैंने कहा यार कल रिकॉर्ड हुआ, अभी तो रिलीज़ भी नहीं हुआ, उस टाइम कंपनियां रिलीज़ करती थी कैसेट की। मैंने कहा अभी तो वो रिलीज़ भी नहीं हुआ, कहाँ से हिट हो गया? कहता है नहीं हिट हो गया आप खाना। मैं हम गया, खाना मैंने खिलाया उसे, और वो उसकी कोई ज़ुबान ऐसी मुबारक हुई कि जब फिर वो गाना आया तो उसने पूरी दुनिया में आपका पहचान नाम पहचान बन गया। उनमें समझिया कि सिगरेट महंगे क्यों हो, ये सिगरेट नहीं डब्बी ऊपर लिखा गया, उसने महंगी नहीं से होण होई। नहीं वैसे तो सना गाना बहुत अच्छा है। अच्छा जी, कोई लड़ाई होवे कुछ होवे अगले कहने चलो कोई गल नहीं, चलो कोई बस असन गल ही मुका छटी, गल ही मुका छोड़ी तू, ग्लास किसे को भज गया चलो कोई गल नहीं, मोबाइल घूम गया कोई गल नहीं, गाड़ी में एक्सीडेंट होया कोई गल नहीं। नहीं वो तो गल है, कोई तो गल है नहीं, लेकिन लेकिन इस गल पे कहना नहीं बनिया है साडा कोई गल नहीं। ये बड़ी बात थी, बड़ी गल ये बड़ी मुश्किल बात थी, बहुत ये किसी ने भी नहीं कहा था आज, वरना लोग कहते थे कि हां गिले गुजारे चलते हैं, गिले ही चलते हैं। हां बाज़ का तो बदुआएं चल रही होती हैं कि तेरा कख ना रहे तेरा भी कुछ ना बने, है ना, तू साडा नहीं बनया, तू किसी का बर्बाद, हां तू मुझे बर्बाद किया है तो तेरा भी कुछ ना हो। तो ये शायरी ये जी होनी फिर, हां ये शायरी इस तरह की होती। ये जो सिगरेट की डब्बी पे किसने लिख के दिया था आपको? ये हमारे बड़े अच्छे शायर हैं एबतबाद से ही, शबीर कासर, तो उनके और भी मैंने सॉन्ग मैंने गाए हैं, उन्होंने मुझे ये लिख के दिया हुआ था। तो क्योंकि ये दोड़े माइये थे, प्रॉपर सॉन्ग तो नहीं था, तो इसमें आगे जाके कुछ और शोरा के भी हैं दोड़े, तो सबसे पहले मेरे आगे यही आया है ना, उसकी सिगरेट की डिब्बी पे लिखा हुआ था। मैंने इसको मैंने कहा ना कि जब बात वो बना रहा होता है ना तो आपके मुंह से वो कुछ निकलवा लेता है, वक्त अच्छा होता है, वक्त अच्छा होता है, जो बात आप करते हैं वही सोना हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और उस एल्बम में हमारे कुछ और सॉन्ग थे, एक मेरा और सॉन्ग था रुलते गए या चस बड़ी आई, ये तो हमने टाइटल उस पे ये लिखा था कैसेट पे। ये तो बाद में मैंने और बड़े लोगों से सुनाया, काफी लोगों ने गाया इसे लेकिन मैंने इसे सबसे पहले उसी एल्बम में मैंने गाया, और हमने ये इसको टाइटल सॉन्ग रखा था, कैसेट के कवर के ऊपर भी हमने लिखा था। तो ये चलो कोई गल नहीं, तो फिर उसमें ये दोड़े माइये थे, तो बस ये फिर ये नाम हमें पब्लिक ने दिया है, वो इतना चल गया, इतना इग्नोर किया इसकी, चलो कोई गल नहीं, वो माइंड कर गया उसने, क्या अच्छा नहीं साहब फिर कोई गल नहीं मैं ही आ गया चलो अच्छा ना माइंड की तरफ से। अच्छा ये जैसा आपने बताया कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी है, ये आपका गाना और मैंने बड़े नामवर सिंगर से सुना है, तो फिर बुरा नहीं लगता कि मेरे गाने गा लिए लोगों ने या बताया? बस ठीक है, कोई अगर अच्छे तरीके से कर रहा है तो ठीक कर रहा है, मैं अब क्या कहूँ, केस तो नहीं किया ना किसी, नहीं फनकार लोग हैं हम, केसों के चक्करों में नहीं पड़ते, कोशिश तुसा माड़ा ना इस्तेमाल कीता गाने जी ना। अच्छा मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा, अभी तो उन्होंने किया ही नहीं तो ऐवें गलतफहमी हो गई नहीं ना गाया या अच्छा माड़ा यार पिंडी ना दिलदार पिंडी ना सुपर हिट गाना ही ना ना हाँ। मैं आज तक तुसा ऊपर केस कीता कदे कोई गिला गल ठीक कर दी नहीं वैसे माड़ा ना बड़े लोगा इस्तेमाल कीता, मैं कह खैर यार चलो कोई गल आपकी शनाख्त है, आपकी पहचान है और हम सबका फेवरेट नंबर है,
सुनते हैं आपसे फरमाइश करते हैं और फिर हम आगे भी जी जरूर जिंदगी बिच कल होसी सवेरा कोई गल नहीं होसी सवेरा कोई गल जद माया शामा सी जद माया शामा सी ओ इंजु बर्बाद कितई ना किधरे आरामा सी ओ इंजु बर्बाद कितई ना किधरे आरामा सी साडी जवानी गई दस तेरा के यार गया
ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਵੰਗ ਮੰਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਜੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਜੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਸਾਵੀ ਵੰਗ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਸਾਵੀ ਵੰਗ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਢੋਲ ਖਫਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਢੋਲ ਖਫਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮਾਇਆ तो बहुत ट्रैवल किया हुआ है मोटरवेज पे या इधर उधर ना, तो मैं आपका गाना बस लगा के फुल आवाज में ऊंची आवाज में और मैं आराम से गाड़ी चलाती हूँ मजे के साथ, क्योंकि बड़ा इसमें दर्द भी है, इसके बोल बड़े इम्पोर्टेंट खूबसूरत, आपका गायकी बड़ी खूबसूरत, बस ये सब चीजें फिर बन जाती हैं। कभी जेलसी हुई है अपने गाने से कि यार इस गाने के बाद बाकी गाने हिट होना जरा ज्यादा मुश्किल हो गए? जब ये गाना आया तो दो साल तक तो मेरा कोई नया गाना आता था ना चलता ही नहीं था। उसको ये आगे नहीं आने देता था, तो मैं कहता था कि ये जाहिर है एक नए एल्बम पे इतनी मेहनत की है और वो ऐसे ही चले। हालांकि इसका एक मैंने जवाब भी निकाला था, वो सेम उसकी धुन यही है और उसकी सिर्फ पोइट्री चेंज है, लेकिन वो भी मंजरे यहाँ पे आगे नहीं आया क्योंकि इस गाने ने फिर आगे आने ही नहीं दिया। आज तक वैसे ये सूरत हाल होगी कि आप किसी भी जगह पे जाते होंगे तो ज्यादा फरमाइश। हां मैन सॉन्ग तो यही है ये फरा जी, सिंगर जड़ा भी है ना, मैं नोट कीता कि एक ही गाना होना जड़े जिस नाल हिट हो जुलना, पहचान वही होता है, पहचान एक ही गाना उसके बाद। हां लेकिन उसे मैनेज करना बाद में बड़ा मुश्किल होता है। आपने अगर एक चीज की है, इतनी मेहनत की थी दो साल पहले, आप सुनते रहते फिर बाद कर लेते लेकिन वो मैनेज करना, अगर किसी भी फील्ड में अगर आपका एक नाम बन जाता है, एक मुकाम बन जाता है, फिर आप उसको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ ना बने कोई भी जिससे वो आपकी एक जो इमेज बना हुआ है वो ख़राब हो। जाहिर है हमारी फील्ड है म्यूज़िक से, कोई ऐसा सॉन्ग ना हो जिसमें कोई अच्छी हमारी परफॉर्मिंग ना हो, तो ये चीजें फिर देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल नहीं, तुसी माया क्या ना कि मेहमान दी कीमत कोई नहीं, ए तुसी उस टाइम के हाल है कि हुण कोई मेहमान आवे ने बंदे अतरा निकल जाना है, इतनी महंगाई तो उन्होंने भी यही कहा, मेहमान दी कोई कदर रे कीमत नहीं है। हुण नहीं है ना, कदी नहीं है, तुसी उस टाइम क्या सी, लेकिन हुण महंगाई ने हुण साबित की। लेकिन मैं उस मेहमान आने मैं उस टाइम मुस्तकबिल दे बारे गया जी, हुण मेहमान आने पहले लोग आने से रहमत ना फरिश्ता, हुण लगना इजराइल ने फरिश्ते आए ने, बहुत मुश्किल है। ये अपनी कहानी सुना रही हूं जी, अब मैं तो कार को आवे मैं कहनी मैं तो सिरे जी बहुत दर्द है, दरवाजा ही ना खोल। ओए चलिए मेहमान अपने नसीब नाल लेके आने, और नसीब जिस कार मेहमान आवन ना अल्लाह पाक उस कार ज्यादा बरकत पाना। तो हमारे इतने प्यारे मेहमान आए, मेहमान ज्यादा आने हो सुन ना, ता तुसी गल अपने ओए कदी बरकत भी, लेकिन हमारे भी तो मेहमान आए हुए इतने प्यारे, तो हमें उनको भी अच्छी तरह से उसमें करना। अच्छा आप ये भी बताइएगा, कभी वो जिनसे राह और रसम थी, प्यार मोहब्बत था, और फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमारे लायक नहीं, काबिल, हम नहीं कर सकते, बाद में कहीं उनको एहसास हुआ वो तो बड़ी गलती हुई? एहसास तो हुआ उन्हें, हुआ ये बस वक्त होता है जब आपका वो साथ नहीं दे रहा होता, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपको शिकवा नहीं करना चाहिए, आपको वक्त पे छोड़ देनी चाहिए चीज़ें, और वक्त खुद ही उनकी फिर मरम पट्टी करता है। अगर आपने सब्र ईमानदारी आपके साथ रहे, आप ठीक रहें, आपकी नीयत ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये तो हुआ है, हालांकि हमारे बड़े अपने करीबी थे, रिश्तेदार हैं हमारे बड़े करीबी, लेकिन वो कुछ हालात हमारे भी उस टाइम
इस तरह के अच्छे नहीं थे, तो फिर जाहिर है अच्छे हालात में हर कोई बनता भी नहीं, तो ये तो फिर अल्लाह ताला का एक करम है कि उसने हालात भी अच्छे किए और फिर पूरी दुनिया पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, लोग बड़ी इज्जत एहतराम से, तो ये गिले शिकवे तो अब तो मैं तो नहीं करता, लेकिन उनको एहसास है, उनको एहसास है, ये भी बड़ी बात है कि कोई किसी को एहसास, किसी को खोने के बाद किसी का एहसास होना जो है ना, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई बेकदरी से ही कहते हैं। हाँ, ये तो है कि किसी इंसान के होते हुए उसका उसको वैल्यू ना करें, और जब वो चला जाए या छोड़ जाए या फिर अलग हो जाए, फिर आप पीछे से रोते पीटते ना, क्या फायदा। हाँ, ये मेरे ख्याल में उस वक्त या तो समझ नहीं आ रही होती लोगों को, नहीं बेकदरी होती है, एहसास नहीं होता। ये जिनके अंदर कदर और एहसास होता है वो इंसान की उसके मर्तबे से थोड़ी वैल्यू करते हैं, उन्हें तो उस इंसान के साथ ताल्लुक होता है ना, वो मट्टी में बैठा हो या तख्त पे बैठा हो, उनका तो रिश्ता उस इंसान तो वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, और जब वो जब बेकदरी लाई बेकदरा नाल यारी टूट गई तड़ाक तो टूटनी होती है, तो जब वो टूटती है तो फिर बाद में याद आती है, अरमान लगता है, फिर अरमान। यूरोप गए हो तुसा जी? यूरोप बाहर ने मुल्क जी अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजा ने मुल्क की जी जी, ते उथे बहु पाकिस्तानी असा ने माशाल्लाह, ते उथे किसी अंग्रेजे ते नहीं आखे प्लीज ट्रांसलेट दिस सॉन्ग योर सुपर हिट सॉन्ग, चलो कोई गल नहीं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ए किसी नहीं आखिया। लेकिन इस तरह है कि लास्ट टाइम अभी जब हमारा शो था, तो वो मेरा जो दोस्त है मेरे साथ गया हुआ था, छोटा भाई है, वो मुझे कह रहा था कि कोई दो गोरे हैं आपके फ़ैन हैं, और वो क्योंकि हमारा शो उधर मैनचेस्टर था और वो लंदन से आए हुए थे, वो मेरे ख्याल में कोई 4-5 घंटे की ड्राइव करके, तो उनसे फिर हेलो आई हुई, बड़ा मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपनी जो लैंग्वेज वाले हैं वो तो चले हैं हमारे उस हिसाब से वो करते हैं, तो उनको तो मेरे साथ लैंग्वेज का भी कोई नहीं था, तो वो मेरे फ़ैन हैं, वो उन्होंने मेरे काफ़ी वो पेज वगैरह लाइक किए हुए हैं। चलिए जी, अगला कोई गाना जो आपका फेवरेट हो, तो आपको बड़ा पसंद हो, मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है, निक्का जया ढोला, कच्ची यारी सुनते हैं। हाँ, कच्ची यारी मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगता है? हाँ, ये सॉन्ग मुझे अच्छा लगा है कि ये इसका कोई प्रॉपर शायर नहीं था, ये कोई एक घरेलू ख्वातीन थी, उन्होंने ये लिखा, ये ख्वातीन का लिखा हुआ है, ख्वातीन का लिखा हुआ, और ये घरेलू ख्वातीन है, कोई प्रॉपर वो खैर ये होता तो बंदा शायर ही है तभी वो कुछ कर सकता है, नहीं दिल पे चोट लगे, हाँ कुछ ऐसा था, तो ये मुझे भी तो आप तक कैसे पहुंचा है फिर ये? बस ये चलते चलते मेरे तक भी आया, उसकी हिस्ट्री थी, मुझे पता था कि ये इस तरह उन्होंने लिखा, तो फिर मैंने इसको सुना, उसके अल्फाज बड़े अच्छे, और फिर मुझे भी लगा हुआ, मैंने कहा इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं। चलें जी, तो जी। कच्ची यारी सुनाते हैं हम आपको। सारी दुनिया में मार दिए कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया में मार दिए क्यों दिल तोड़ के जुलनाए सारे कम ढोला कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया में मार दिए हर दिल गम तेरा खामा ढोला हुण केड़े पास जावां ढोला कच्ची यारी में
वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। देखिए ना, ख्वातीन क्या उसमें एहसास है, तो उसमें एक डेलिकेसी सी है ना कि उसने बड़े प्यार से अपने दुख का इजहार किया। बहुत सारे वैसे तो फैमिलीज के साथ हैं हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, लेकिन जो काफ़ी अरसे से घरों को नहीं आए, तो नई मजारवी का ये गाना सुन के वो लोग जल्दी अपने घरों का चक्कर लगाएं। आप जब जाते हैं तो क्या तासरात होते हैं, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, जब वो आप और जो मुल्क में हैं, क्या फ़र्क होता है? अब मैंने ये चीज़ नोट की है कि अब मुल्क के अंदर है बंदा तो उसको इतना एहसास नहीं होता परदेश का। गो वहाँ पे वो लोग सुखी हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि उनके अंदर पाकिस्तान की एक तड़प होती है, दर्द होता है। वो दर्द होता है, वो कहते हैं, वो स्टोरियाँ करते हैं, यार वो उधर हम होते थे, वो फलां जगह पे हम, बचपन की अपनी उनकी यादें। तो वो चीज़ें तो बंदा नहीं छोड़ सकता, ना बुला सकता है बंदा जहाँ पर भी पहुँच जाए। तो फिर मैंने देखा है कि उन लोगों का लगाव है हमारे म्यूजिक के साथ, कल्चर के साथ अपने ना, कल्चर और खास तौर पे हमारा जो फोक म्यूजिक एंड कल्चरल म्यूजिक जितना मुल्क से बाहर सुना, मुल्क में भी सुना जाता है ऐसे ही है, मगर जितना वहाँ सुना जाता है उतना यहाँ पे इतना, वो मैंने देखा है वहाँ पे, क्योंकि कल्चरल ये जो कल्चर म्यूजिक है ये आपके दिल के करीब होता है, आपकी मिट्टी की खुशबू होती है, इलाकाई रंग इसमें होता है। तो वो मैंने देखा है कि वहाँ अब कुछ बच्चे जो हैं इस तरह के हैं, वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोल रहे होते, इंग्लिश बोल रहे होते हैं हमारी फैमिलियों के लोग, लेकिन मैंने देखा है वो म्यूज़िक बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं उधर को लोग, वो बोलते नहीं लेकिन उसे वो प्यार करते हैं और वो उसको वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो अच्छा है वहाँ पर, वो बहुत अच्छा है, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम वहाँ पे जा रहे होते हैं और अपनी जुबान अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। और मैं इसी ड्रेस में होता हूँ। अच्छा, ये अपने फिक्स रखा है? हाँ, मैंने कोई पैंट कोट में नहीं जाते, कभी कभार अगर मैं कहीं किसी जगह पे चला जाऊँ, वैसे ओवरऑल मेरा यही होता है क्योंकि हमारी ये पहचान है, तो लोग हमें इस हवाले से जानते हैं क्योंकि हम कल्चरल आर्टिस्ट हैं। तो जाहिर है हम अपना कल्चर अगर वो साथ नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं लगता। बस थोड़ी आवाज़ सुन के ना जज्बात जाग गए, दुखी हो जाना बंदा, कहता है यार ये बहुत बहुत बड़ा जुल्म होया है। जुल्म होया है आपके साथ, कोई कोई दुखी रूह है? इस तरह होया कभी अपनी आवाज़ सुन के मतलब जज्बात जाग गए जिस तरह लोग थे जाग जाते ने? बस साढ़े हम सुते ही रहने नहीं, अपना सुनते हैं अपने गीत खुद। हाँ, क्योंकि जाहिर है वो फिर तभी हमें अंदाज़ा होता है अपना। अब कोई नई रिकॉर्डिंग हमने की तो उसको, खैर वो जिस नज़र से मैं सुनता हूँ उसमें तो सुनने वाले भी नहीं सुन, क्योंकि हम एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं, कोई शोर ऊपर ना हो गया हो, नीचे ना हो, कहीं से आवाज़, जब हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो उस हवाले से तो बहुत बारीकी से सुनते हैं नहीं, उस तो वैसे सफ़र। हाँ, कई ये मूड पर होता है, आपका मूड क्या कर रहा है। अपने अलावा और किसको सुनते हैं पाकिस्तान में? बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, ईसा खेलवी साहब हैं क्योंकि फोक में उन्हें, और इसके अलावा मंसूर मलंगी साहब को, क्योंकि ये अल्लाह देता लेने वाला, अल्लाह उनको दोनों का वो जान अच्छा करे। उन लोगों ने क्योंकि आजकल थोड़ा कमर्शियल है म्यूज़िक, तो उन्होंने पूरा म्यूज़िक गाया है, उन्होंने उनमें ये उस वक्त ये नहीं था, उन्होंने पूरी पूरी मौसीकी गाई है और उनका एक अपना ही टेस्ट था, और वो आज तक मेरे ख्याल में जब तक ये हैं सुनने वाले वो उनको अच्छे लफ्ज़ों से उन्हें याद करते हैं। बिलाशुबा। जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैं यहाँ से फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया था। अच्छा, तो वहाँ पे फिर ये कौन से टाइम की बात है? ये 93-94 की बात। अच्छा, है। आपको लगा कि बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ जाके काम? नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, पेट के चक्कर में हम गए, मजदूरी के लिए गए, मजदूरी काम, गाने के अलावा कुछ और करने के? हाँ, जाहिर है क्योंकि गाना तो मैं मेरे कोई वो फैमिली में तो था नहीं और ना मुझे पता था, तो वो तो हम जैसे ही स्कूल से निकले और कराची चले गए, वहाँ पे कुछ होटलों पे काम किया। अच्छा, सबसे पहले ये वेटरी और ये सब कुछ मैंने किया है। अब मैं कई दफ़ा किसी होटल पे जाता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो जो वेटर है उसको ज़्यादा तंग ना करूँ, क्योंकि हमने खुद वो काम किया हुआ है। अब वो एहसास होता है बंदे को ना। हम भी काम करते थे 8-8 घंटे, कौन खड़ा रहे। कितनी खूबसूरत बात है कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी तो मुशक्कत की है ना, जद्दोजहद की। यकीन करें कि मैंने, ये उम्र उस वक्त कितनी थी आपकी? छोटे ही होंगे जाहिर है, इतना मैं नहीं था। फाके काटे हैं हमने इस फील्ड के लिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर वाले कहते थे कुछ और काम करो, कोई भले कोई होटल का करो, कुछ करो। अब बंदे के अंदर वो आर्ट होती है, आर्टिस्ट है, तो वो मेरा दिल नहीं लगता था उन चीज़ों पे ना, तो मैं फिर इस तरह करता था। अब वो क्योंकि रोटी रोजी का भी मामला है, वो भी करना है, तो सारा दिन मैं काम करता था,
तो रात को जो मेरे साथ मेरे वो जो दोस्त होते थे वो सो जाते थे, मैं उधर बाहर चेयर बैठ के लिखता रहता था ऐसी चीज़ें कि वो मुझे वो कई दफ़ा इस तरह हुआ कि पूरी रात गुजर गई तो वो सुबह जागे तो मुझे कहते हैं यार चलो ड्यूटी का टाइम हो गया। मैंने कहा चलो, कहते हैं आप सोए नहीं हो। मैंने कहा नहीं। कहते यार तू दिन को चाय कैसे बेचोगे। मैंने कहा यार बस मेरा यही दिल नहीं कर रहा इस चाय को बेचने के लिए, इसीलिए मैं जागता हूँ कि शायद अल्लाह करेगा कोई ना कोई। तो मेहनत इसके पीछे मैंने बड़ी की है। बहुत अच्छा, वाह, ये बहुत खूबसूरत। ये हमारे आर्टिस्ट कि कैसे निकल के आते हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट कैसे फिर रास्ता अपना, और अल्लाह ने ही फिर जगह दी और अल्लाह ने ही मकान दी, वरना ये इंडस्ट्री तो भी किसी को पैर ना धरने दे। हां बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, ये जिस होटल पर तुसा काम करने रहे हो, हां जी, उन मशहूर होन तो बाद माशाल्लाह उस होटल पर गए हो? जुलदा मैं है जुलने रहने मैं कराची जदू भी जुलना जुलदा होते। अच्छा अच्छा, ते के उन्होंने होना तुसा ना बड़ा प्यार कर देन लोग। अच्छा, आपके साथ जो वेटर थे वो अभी क्या कर रहे हैं? वो बेचारे उधर ही लगे हुए अभी तक। अच्छा, ज़्यादातर वो उधर ही काम कर रहे हैं, और मुझे कभी कभी वो कॉल वगैरह करते हैं, फ़ोन करते हैं, या मैं जब कराची जाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक मेरा वक्त वहाँ पे वक्त गुजरा है, और उन दोस्तों ने भी मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। क्योंकि मैं किसी दिन रिकॉर्डिंग पे निकल जाऊँ तो मैं उन्हें कहता था यार मेरी जगह ज़रा ख्याल रखना, मैं फलां जगह ड्यूटी देना, वो कहते थे हाँ ठीक है जी आप जाएँ। वाह, बड़ी खूबसूरत बातें तो हो ही रही हैं। खूबसूरत सा कोई गाना भी हो जाए, निक्का जिहा ढोले का क्या चक्कर है? अभी तो ये जवान हो गया ढोला। मेहरबानी। ये निक्के का मतलब क्या है कि छोटा कद का छोटा कि उम्र का छोटा? अब मैं तो इस गाने को, मेरा एक छोटा बेटा है उसको भी बड़ा ये म्यूजिक वाला जरा सीन लगा हुआ है। अच्छा, उसमें भी आ गया। क्योंकि मेरे बाकी बच्चे जाते हैं बाजार तो वो कोई कहेगा जी मुझे गन ले दें तो वो कहता है अबू मुझे बाजा लेके। तो वो कभी वो माइक वाला वो माइक लेगा वो जिसमें सात स्पीकर भी है इको वगैरह। तो एक दिन वो घर में छत पे लगा हुआ तो मुझे वाइफ कहती हैं कि बात सुने इसे मना करें। मैं तुसा ना भी नंबर कट सी। तो वो बेचारा कोशिश करता रहता है। तो ये गाना आपने उसके लिए? नहीं, मैं जब भी इस गाने को कोई मैं कहता हूँ या मैं परफॉर्म करता हूँ मेरी नज़र में तो वो होता है। अच्छा। तो बेसिक ये भी मुझे एक किसी घरेलू बंदे ने मुझे कॉल करके ये गाना मुझे दिया, ख्वातीन ही थी। अच्छा। उन्होंने इसकी मुझे स्थाई लिखाई कि ये एक गाना है इसकी, ये अगर आप गाएँ तो वो स्थाई मैंने देखी। फिर बाकी के अंतरे हमारे एक बड़े अच्छे शायर हैं मुंतज़िर मेहदी, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा यार ये गाना पूरा मुझे मुकम्मल करके। ये कहीं वही तो नहीं आपको फोन कर करके कहती हैं अब ये गाओ तो अब ये गाओ? नहीं, मेरे ख्याल में वो नहीं। तो ये जो भी थी लेकिन इनका कोई शायराना माइंड की ये खातून थी, बड़ी खवातीन कॉल करती हैं फिर। और उसके बाद अच्छा ये मजे की बात, जब ये गाना हिट हुआ आज दिन तक मुझे उन्होंने फिर कॉल नहीं की। अच्छा, भाभी ने तो नहीं फोन उठा लिया था उनका? मकसद ही ना कोई गाना गवाना सी। नहीं मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा कांटेक्ट करती, शायद कोई और उनके पास ऐसी चीज होती, आइडिया होता, कोई कांसेप्ट, लेकिन वो फिर दोबारा नहीं। चले जी, तो हम सुनते हैं निक्का जिहा ढोला। मोती टूटे आवे सहरे दा मुल नहीं पा सकदा ओ साडे हिक हिक फेरे दा निक्का जिहा ढोला सोना जिहा ढोला चिट्टा जिहा सूट ना पाया कर।
आपकी जो कलाम है बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन मेरी जहन जो है वो आपकी बातों में ही अटका हुआ था। मैं सोच रही थी कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब लाला की भी यही कहानी है। उन्होंने यानी ख़ुद मुझे इंटरव्यू में बताया कि मलका तरन्नुम नूरजहाँ का जहाँ घर है अब, जो उसके बिल्कुल सामने एक किसी तरह रेस्टोरेंट ढाबा होता था या रेस्टोरेंट होता था, और वो भी वहाँ पर वेटर थे, और कहते हैं मैं वहाँ पर बैठा रहता था कि यहाँ से मलका तरन्नुम नूरजहाँ जो है वो गुजरेंगी, और उन्हें गाने का शौक था, और वो भी इसी तरह के तकरीबन हालात। तो हमारे जो फोक सिंगर्स हैं वो सब खास दीवाने लोग होते हैं, लेकिन ये तय है कि फोक ही गाना है। नहीं, अब वो तो मिजाज पे है ना। अब कुछ हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, सिंगर हैं, गज़ल गायक हैं, तो मैं उन्हें कहूँ वो मेरा गाना गाए, वो नहीं गा सकते उसे। अगर वो गाएंगे वो रंग नहीं रहेगा फोक वाला। तो ये इसी तरह ये कुछ चीज़ें पैदा की जाती हैं उसी काम के लिए। तो फिर क्योंकि हम तो जैसे मैं हज़ारा से एक गांव से ताल्लुक, कौन से गांव से ताल्लुक है हज़ारा के? हरिपुर, खानपुर डैम से ऊपर हमारा गांव आता है, हरिपुर हज़ारा सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा गांव था, तो गांव में वही रस्म रवाज कल्चर, तो ये चीज़ें फिर इंसान के अंदर बसी होती हैं, जुड़ी होती हैं, तो इनसे बंदा फिर निकल नहीं सकता। और फिर बल्कि स्टार्ट में तो हम गाँव में सुबह या स्कूल से वापस आए तो चले गए जंगल की तरफ, तो वहाँ पे एक कुदरती तौर पे एक इको होती है पहाड़ों में, उधर बैठ के गाना। अच्छा जी, एक और कलाम आपकी तरफ, ये सोनिया अखियाँ जी, ये किसकी अखियों का, और क्या ज़रूरी है कि सारी अपनी हड्डबीती हो, अपनी दास्तान होती है हर गाने में, या लोगों की भी कोई फरमाइशें पे चलते हैं? यानी अपने आप को लगेगा तो फिर ही मैं गाऊँ। लोग भी फरमाइशें वही करते हैं जो हमारे पॉपुलर सॉन्ग होते हैं, जो लोगों को पसंद आए होते हैं। अब रात को हम जाते हैं कई दफ़ा शोज़ पे या किसी जगह पे पब्लिक, तो वो फिर इन्हीं गानों की फरमाइश करते हैं हमसे जो उन्होंने सुने होते हैं। नहीं, बनाने की बात कर रही हूं। हाँ, गाना बनाते हुए गाना ये मैंने खुद लिखा था ये गाना। अच्छा, हाँ। आप गाना अब लिखते भी हैं? मैं शादी से पहले बहुत अच्छी मैं शायरी करता था अपनी फोक की। शादी के बाद क्या हो गया फिर पता नहीं चला। यकीन करिए मैं सीरियस कह रहा हूँ। अब ऐसा है पूरा पूरा दिन अगर मैं कलम लेके बैठा रहा हूँ कोई बात नहीं है, एक दौड़ा मुकम्मल नहीं होता। इतनिया सुन लेने बेचारे फिर देने चुके थे। चले जी, सोनिया अखियां सुनते हैं जो आपका अपना लिखा हुआ। जी जरूर। एक सोहना दूजा कद दा छोटा, सोहनी अख विच कजले दी धारे, उत्तू काला सूट पा फिरदा है जदू निकले विच बाजारे, लोकी टोर वेखन ते खल जावन उते मोरा दा सरदारे, कई लोक तारीफा कर देने बहु सोहना तेरा यारे, कपड़े दा परमाया वे सोहनिया अखियां नल वे इंज कतल न कर माया, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, ए सोहनिया अखियां यार दिया, वे ए सोहनिया अखियां यार दिया, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, सिद्धे
हजारवी साहब हमने सुना हुआ है हजारे हजारा दे हजार वाले तो मुझे लगता है आप पे जरूर सच है वो। मुझे नहीं लगता कोई एक ही दफा आपने कोई इश्क किया होगा, जितने का आप रोमांटिक हैं कोई बहुत सारी दफा ही आपको प्यार किया होगा। ये सारी खूबियां एक बंदे में भी हो सकती हैं, हो सकती हैं, ये आंखें हैं, जुल्फें, ये सारा कुछ हो सकता है, एक बंदे में भी हो सकती है। नहीं लेकिन आप नहीं है रोमांटिक मिजाज नहीं है, या भाभी कितनी सख्त है कि शादी के बाद आप तीर हो गए सीधे हो गए? वो मस्कीन सा आदमी है, ठीक बंदा है वो, और ये है कि म्यूज़िक के साथ उनका कोई तअल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे नहीं याद कभी ज़िंदगी में मुझे कभी उन्होंने एक दफ़ा भी कहा हो कि कोई गाना सुनाए। अच्छा बिल्कुल म्यूज़िक से उनका कोई कभी आप घर में आए हो तो वैसे ही सुन रही हो या कुछ मतलब? नहीं म्यूज़िक माइंड वो नहीं है। अच्छा तो फिर आपने शादी अपनी पसंद से की या ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है? नहीं बिल्कुल अरेंज मैरिज नहीं है, देखा उसमें ना? पसंद भी है, जो उनका काम है वो अपने तरीके से वो ठीक करती हैं अब। और यकीन करें मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ, मुझे बड़ी अच्छी नेक सीरत और बड़ा अच्छा सीधा सा इंसान मिला है। मैं अब यहाँ पे हूँ, मैं यूरोप जाता हूँ, जिधर भी बच्चों की देखभाल मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती, सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है। तो उस बेचारी को तो म्यूज़िक का अगर देखें तो टाइम भी नहीं मिलता। माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो वो मैंने कहा ना कि आप खासे आशिक मिजाज हैं, खासे रोमांटिक हैं। तो ये है कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा। नहीं ये बड़ी बात है कि मियां बीवी जो हैं वो एक दूसरे के रफीक होते हैं, साथी होते हैं, तो साथी यही होता है कि साथ देना। हाँ साथ देना बिल्कुल, मैं इस चीज से बड़ा मुतमईन हूँ। सिख 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 ए मियां बीवी होने जिंदगी होनी बिल्कुल, सिख ना कुलो और मियां भी तको ना। हाँ अगला किस मकाम पे सिंगर काटते अच्छा। मिनिस्टर ज्यादा लाग रहे अगला नहीं उन जड़ा मियां मुकाम ऊपर नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं नहीं फिर उस दा कार भी कोई मकाम नहीं जड़ा मकाम ऊपर नहीं। अरे ये बड़ी ना बदकिस्मती की बात है कि औरतें जो है ना वो वाकई ये करती हैं जुल्म कि मियां को माल हो पैसा है ना तो बस फिर तो वो गल भी सही है ना ते फिर केड़ी जरूरत है मियां बनने जी ताड़े कोल कुछ है ही नहीं है जरूरत ही नहीं है मियां बनने दी कुवारे फिरो दुनिया च जे ब्याह कीता ने ते फिर पूरी जिम्मेदारी चुको तो को जी अलमारी भावे कपड़े नी भरी होवे ना फिर भी इन नी अलमारी च एक जोड़े नी गुंजाइश होनी। हां आते होनी चाहिए नहीं है ना जिंदगी अगर मरदी जिंदगी च त्रै दी गुंजाइश है सानू भी जोड़े दी भी ना देवण ए ते गलत गल है ए ते गलत गल है ए ते बहुत गलत ए ते मैं साथ देनी है और हर मर्द दी ख्वाहिश होंदी है जी। अच्छा ये हर मर्द दी ख्वाहिश होंदी है सुतिया सपा ना जगाओ आप बताएं हर मर्द की ख्वाहिश होती है? अभी आपने इतनी तारीफें की हैं भाभी की, वो कह रही हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी दूसरी शादी होनी दो तीन चार छह बच्चों तो बात ताड़ा बढ़दा नहीं है। मैं वैसे ईमानदारी वाली बात यही है कि मैं यही कहता हूँ कि एक ही आपका जीवन साथी हो, उसके साथ बंदा खुद सुखी रहता है। क्योंकि मेरे कई जानने वाले जिन्होंने दो तीन की हुई है ना ख्वार हो रहे सिर ख्वार नहीं जलीलो ख्वार हो सुनी कि नो जड़े दुई नहीं सोचने बंदा बड़ा पुरसकून रहता है। सही जलीलो ख्वार होने से बच जाता है बिल्कुल। वाह बहुत जबरदस्त। तोहफे तोहफ देते हैं जैसे उन्होंने कहा कि बस पैसे वैसे खूब जो दिल चाह ले लिया ढेर सारा पैसा दे दिया जाओ बेगम शॉपिंग करो जो दिल करता है होता वैसे इसी तरह ही है मेरे पास टाइम नहीं होता तो आप पैसे से पूरा करते बस मैं कहता हूँ जो लेना है आपने खुद ले लें और ज़ाहिर है मैंने कहाँ पैसे लेके जाने हैं बच्चों के लिए बंदा करता है तो मैं इसीलिए बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं बड़ा इजी लाइफ है मेरी सारी ये बच्चों वाली टेंशन उन्होंने ली हुई है बच्चों को स्कूल भेजना मैं क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं रात को लेट सोना सुबह 10-11 बजे जागना तो बच्चों ने तो सुबह सुबह जाना होता है तो ये सारी जो है ना ये जिम्मेदारी बच्चों की ये सारे मामलात उन्होंने लिए हैं। तो आपका अपना जैसे जो भी ड्रेस होता है या तैयारी होती है चीज़ें होती हैं
ये भी उनकी जिम्मेदारी है? नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, इसके लिए प्रॉपर मैंने बंदा रखा हुआ है, वो ये मेरे ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वो तैयार करते हैं, क्योंकि ये उनसे अपने काम नहीं खत्म होते तो मैं ये भी डाल दूँ। अच्छा, ये एहसास आपके अंदर है, ये भी बड़ी बात है। ये तो है, वरना लोग जो है वो अब सारा दिन जो है आके बीवी को कहते तुमने किया क्या है सारा दिन, जैसे ये है कि सारा दिन घर में बैठी है तुमने किया क्या है, फिर उनकी इज्जत भी देख ले। हर बंदे दी जड़ कार आके ना बीवी दी कमाज का दे कमाज बोलता है ना उदी इसी तरह इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि सारा दिन देखो फरा जी दी गल कि सारा दिन कार बच्चे बड़ा मुश्किल काम, उसके बाद आके फिर अगला बंदा भी ताड़े तो रो पावे ना बंदे ना दिल करना। मेरे लास्ट जो ना वो ट्विन है ना, अच्छा माशाल्लाह, बेटी बेटा है, वो 3 साल के हैं, एक मेरा बड़ा बेटा है वो तकरीबन 5-6 साल का है, एक 8 साल का है, तो वो जब चारों इकट्ठे होते हैं ना, वो कई दफ़ा मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं थोड़ी देर में उन्हें बर्दाश्त करता हूँ किसी को ना कार ये कर, अच्छा थोड़ी देर बाद फिर मैं उनको निकाल लेता हूँ कमरे से, मैंने कहा जाओ यार मामा की तरफ जाओ। तो वो उनका हौसला होता है बच्चों के साथ, यकीन करिए बंदा पागल हो जाता है, बच्चे बड़ा तंग करते हैं। माँ की मशक्कत का तज़किरा कुरान में अल्लाह ताला ने किया है, बिल्कुल, और जिस तरह से तारीफ की है वो ये है कि तुम हक नहीं दे सकते, उसने मशक्कत पे मशक्कत उठा के तुम्हें पैदा किया और पाला, यानी मशक्कत का अल्लाह ताला ने माँ की जिक्र किया, माँ का तो जाहिर है और ये माँ ही कर सकती है। अच्छा जी, अब कौन सा गाना आप हमें सुनाने जा रहे हैं? नहीं प्यार दा ना लेना, मैं नहीं मानती, आपने नहीं लिखा हुआ गाना। मैं उन प्यार दा ना नहीं लेना। हाँ नहीं, किसी टाइम बंदा रज भी जाता है। ये बड़े अच्छे दौड़े माई हैं, तो क्योंकि मैं मुझे अपने इलाके से फिर वो चलो कोई गल नहीं जो सॉन्ग था उसके बाद फिर मुझे जो मेरी जो सुनने वाले हैं उनके दादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा सराइकी में है, तो फिर मुझे उनके लिए भी कुछ चीज़ें तैयार करनी होती हैं, क्योंकि हमारा इधर पठवार का लहजा थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो फिर मुझे मेरी कोशिश होती है कि मेरे सॉन्ग में अभी अगर एक इंदको का आया है तो उसमें दूसरा जो है उसमें थोड़ा सराइकी का टच हो, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा नई मजारी सबके हिस्से में आ ऐसे ही। तो ये बड़ा अच्छा दौड़े भाई हैं वो, तो चले हम सुनने की फरमाइश करते हैं। जिस जात कोई बेदर्द होवे
साजिद साहब कौन है जिनका कलाम आपने गाया? बड़ा दुखी और बड़ा अच्छा लिखा। लतीफ साजिद हैं मियाँ वाली से, बड़े अच्छे शायर हैं सराइकी के, और भी इनके मैंने काफ़ी सॉन्ग गाए हैं, अच्छे बड़े अच्छे राइटर, बहुत अच्छा कलाम, लेकिन बड़ा दुखी कलाम है। हाँ, ज़्यादा वैसे आप दुखी गाते हैं, पसंद करते हैं या ये ज़रा? नहीं, मेरा स्टाइल या मेरा लहजा, मुझे ये दुखी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये मुझसे अच्छी निभाई जा सकती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं अच्छी तरीके से निभा सकूँ, और बाकी जो चंचल चीज़ें हैं वो मुझसे इतनी अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन तुसाना चंचल गाना भी हिट होया, फरा जी पता है तुसा की केड़ा? केड़ा? ओ जड़ा मैं इन्हां नाल जिक्र कीता, बड़ा यार पिंडी ना दिलदार पिंडी ना, ओ दिलदार इन्हां दा नाम दित्ता इन्हां ने, नहीं ओ बड़ा हिट होया सुना गाना, होया या नहीं होया? नहीं होया तो क्यों नहीं होया, ओ जगह जगह वजे ठा करके। ठीक है, हम आपने वो गाना सुनना है? वो तो होना चाहिए ना, फिर ऐसा ना हो तो गाना ना सुनिए। चलें जी, उस गाने की भी ऐसी फरमाइश करांगे, लेकिन वो गाना अभी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। आपने इतना अच्छा सराइकी भी गाया कि लगता ही नहीं कि सराइकी जो है वो ऊपरी जबान है कोई आपके लिए। असल में मुझे शुरू से सराइकी लैंग्वेज अच्छी लगती थी, क्योंकि इसमें एक तो शायरी के हवाले से देखे जाएं तो अल्फाज का ज़खीरा बहुत ज़्यादा है, इनका कल्चर बहुत ज़्यादा है, बड़ा कल्चर है, वसी कल्चर है, और दूसरा बड़ी मीठी ज़बान है ये मौसीकी के हिसाब से। तो मेरा लब्बो लहजा, मुझे ये चीज़ शुरू से अच्छी लगती थी, तो फिर अल्लाह ताला ने किया कि अब मुझे सराइकी वाले बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं, और वो लोगों को नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ। कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप जंग से हैं, कोई मुझे मियाँ वाली का समझ रहा होता है, वो इसी वजह से समझ रहा होता है कि मैं उनकी जो लैंग्वेज है उसको मैं निभाता हूँ, और कोशिश होती है, इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है, और अगर आप कोशिश करते रहे तो वो अच्छे से अच्छा हो जाता है। शफाउल्लाह रोकड़ी साहब भी जाहिर है इतना खूबसूरत सराइकी वो गाते थे। जी बिल्कुल, तो लेकिन वो सराइकी थे, तो वही मैं कह रही हूँ कि वो ज़बान आपकी नहीं है, मगर आप उसमें भी रच बस जाते हैं, उसमें भी ठीक करके, तो हिंद को अच्छी लगती है। सराइकी वालों में कभी वो होता कि नहीं ये तो हमारे नहीं है, असल में तो हमारे से। कई दफ़ा मैं अगर कुछ सराइकी के गाने गा रहा हूँ तो फिर सोशल मीडिया पे मुझे अपने लोग वो कह रहे होते हैं कोई हिंद को भी गाओ जी, फिर कोशिश होती है फिर कोई हिंद को भी करूँ, क्योंकि वो बंदा फंसा हुआ होता है, जैसे बंदा इन्हें गल दो बीवियों का नहीं फंसा होता वो हिसाब आप दो फैन ग्रुप्स के दरमियान फंसे हो। फैन ग्रुप के ठीक है। वैसे तो अब वैसे सराइकी पंजाबी ये पोठवार रीजन जो है हमारी, इनको इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अगर कोई बंदा अगर वो बोल नहीं सकता तो समझ लेता है कि ये इसने क्या कहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि सराइकी और हिंदकों को बहने कहा जाता है कि आपस में बहने हैं। और फिर दूसरा ये कि सराइकी यहाँ हमारे कुहाट से शुरू हो जाती है और ये सिंध के अंदर तक चली जाती है, काफ़ी बड़ी पट्टी है, बहुत बड़ी है, बड़े लोग। चले एक माइये भी आपने कुछ गाए? माइये में, क्योंकि वो हिंदकों वाले कह रहे होंगे कि माइये नहीं है, वही आपके फैंस हैं तो उनसे उनकी फरमाइश ये उनके लिए। ओ कड़ा भजिया चूरो
ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੀ ਗਿੱਲਾ ਤਫਾ ਅੱਛਾ मुझे ये भी बताइएगा कि आपके गाए हुए गाने जो हैं इतने लोगों गा लेते हैं कभी आपने भी किसी का गाया हुआ गाना गाया गाया जी तो कैसा लगता है जब खुद किसी का गाते हैं जब कोई आपका हालांकि जो सीधी बात है मेरी कोशिश होती है कि मैं ना गाऊं क्योंकि मैंने गाया हुआ गाना है तो फिर मैं अपने फन के साथ वफा नहीं कर रहा ठीक है मुझे इस फील्ड में मैं हूँ फिर मैं ना करूँ लेकिन ये गलतियाँ मुझसे इस हवाले से हुई मेरे साथ कुछ दोस्त हैं उन्होंने कहा यार वो गाना गाओ यार वो मार्केट में आया हुआ है चल रहा है आप गाएं तो ये मिस्टेक मैंने की हैं तीन चार लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं हाँ फिर ये है कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है तो फिर उसमें बंदा मजबूर हो जाता है कि मिसाल के तौर पर लाला का कोई गाना है तो वो इंतहाई अच्छा लगता है आपकी फीलिंग ऐसी होती है कि यार ये यूँ लगता है कि ये गाना मेरे लिए बना है तो इस तरह का चलें वो कमर्शियल से हट के होता है तो कुछ मैंने भी ये मिस्टेक्स किए हैं मैंने अच्छा अफसोस होता है उन पे आपके नहीं करना चाहिए मुझे अक्सर कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ये आप कॉपी क्यों कर रहे हैं आप अपना गाएं तो बात भी सही है लोग फरमाइश भी कर देने ना फिर गाना फरमाइश वाला तो और काम है ना वो तो महफिल लाए में वो तो किसी की भी फरमाइश आ सकती है तो वैसे जैसे प्रॉपर स्टूडियो में जाके उसको गाने को रिकॉर्ड करना वो मैंने की है कुछ लेकिन ठीक तरीका नहीं है जिस तरह है कि वो शेर अपना शिकार करता है इस तरह ही करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए तो आपका जो गाना कोई गा ले तो उस पर भी दुखी फिर नहीं होते होंगे क्योंकि आप कहते होंगे कि कोई बात दुखी होगी करूँ क्या करूँ क्या मेरे दुखी होने से कौन सा लोगों ने छोड़ना है उसको अब ये जो गाना था चलो कोई गल नहीं मेरे ख्याल में कोई जो मैंने नोट किया है 74 सिंगर हैं उन्होंने इसे गाया है 74 पाकिस्तानी सिंगर लेकिन नाम तो आपके है ना ये गाना ये बस अल्लाह ताला का करम है कि उसने मेरा क्रेडिट मुझे ही दिया है आप भी अपने गानों की वीडियोस के ऊपर तवज्जो देते हैं कि मैं ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फोक में हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मेरी जितनी भी अभी वीडियोस आ रही हैं बड़े अच्छे तरीके से उसको हम कर रहे हैं अभी भी हमारे कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तीन चार वीडियोस के तो एक एक चीज को हम उसको नोट करते हैं देखते हैं ये सिर्फ आप हैं या आपने टीम आपकी अब सारी नहीं है? मेरी टीम है ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है लेकिन जाहिर है फाइनल उसको मैं नहीं करना होता है तो ये वो करके ये काम ऐसा है कि आप सुबह शाम यही काम करते हैं तो आपका एक तजर्बा हो जाता है तो जो टीम वाले लोग हैं वो भी बड़े लायक लोग हैं मेरे साथ खुशकिस्मत हैं आप मैं खुशकिस्मत हूँ कि अगर वो लोग मेरे साथ हैं तो मैं भी बिल्कुल गुड टीम इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग ऐसे ही चलिए जी जोगिया की क्या वीडियो सी उस जड़ा मॉडल सी केडी बेचो मॉडल ही चलो कोई गल मॉडल अगर सही हो फिर ਕੇ ਪਤਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਛੋੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਤਵਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਮਾਡਲ ਤਕੜੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਨਰਮ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੋ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਖਾ ਗਈ अच्छा वैसे ये बेलों का कितने की हो जाती हैं और कितना बड़े खूब बरसते हैं नोट ये तो देने वालों पे होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही अर्निंग होती है चलिए जी जोगिया की तरफ चलते हैं हम बातें भी कोई जोगी और जोग वाली कर रहे हैं
भाई वाह 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 वाह, ये गाना आपसे किसने बनवाया? अली ने। अली, अली का सख्त दिल टूटा हुआ। अच्छा। अली जो है ना वो सख्त सख्त वाला, सख्त वाला आशिक है। लेकिन हाँ, सख्त वाला आशिक है और आशिक भी वो जिधर दिल टूटा, लेकिन वो दिल टूटने के बाद भी इश्क से नहीं निकला। नहीं, हमारी मेरी साफ में सारे दिल टूटे ही हैं। अच्छा, शुक्र है दिल टूटे ने, कान टूटे नहीं ने। अच्छा, लेकिन उन्हें मुझे इस पे वो शेर याद आ गया अहमद फराज साहब का, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के किस्से, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। सो हम अक्सर समझते हैं कि बड़े जो पारसा और अच्छे लोग होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के अंदर वफा, बाज़ औक़ात वफा वो निभा रहा होता है जिसके ऊपर तोहमतें सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये सब, जिसके ऊपर दुनिया जो है जिसको सबसे बुरा समझ रही होती है, बुरा समझ रही होती है, उसी को किसी गिनती में कोई नहीं गिन रहा होता। हाँ, लेकिन वो वफादार, वो वफादार होता है, वो वफा उठा के, वफा का बोझ है बहुत, वफा निभानी कौन सी आसान मुश्किल का। ये जोगियां कह रहे ना कि जोगिया दम कर दे, वो जोगी भी तीसरी वजह तो बढ़िया होता है, वो बेचारा कितना दम करे, लेकिन उस दे दम चसर होता है दुनिया में यही चीजें हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी तो कुछ भी नहीं। लेकिन हजारी साहब मजा आ गया, देखिया नहीं है टाइम ही नहीं मिले तकाओ लै दसो माशाल्लाह अपने घर लेते सारे गल सुटी इन्हों पता चले प्याज दा बाओ टमाटर दा पता क्यो दा फिर पता चले दुनिया जोर बड़े गम ने। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ गम नहीं है दुनिया के दिल टूटन दा गम है, दरवाजे चाथा आवे ना वो भी बड़ा दर्द होना, इंजी गल नहीं है। बिल्कुल से, बिल्कुल से। लेकिन तुसी तुसा दुआ करो कि ताला दिल ना ही टूटे, तानू दरवाजे चाथा ना पुल जाएगा। अच्छा, नहीं तुसी तुसी वैसे खुशनसीब हो, तुहानू बड़ा जुगती बंदा मिले। चले जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन करें वो इस तरह नहीं लग रहा था कि मैं किसी टीवी शो में बैठा हूँ, मुझे भी लग रहा था कि घर में बैठे हैं, बातें हो रही हैं। नहीं, ये जो एक फैन का और एक अपने वो फेवरेट सिंगर का वो जो एक रिश्ता और ताल्लुक है ना वो बड़ा गहरा है। बिल्कुल, इसलिए मुझे बहुत रूह से दिल से आपकी जो गाने और सलामत रखे कंपोजिशन है अच्छी लगती है मेरे लिए, ये बड़ी बात है की आपकी आवाज, आपका अंदाज मुझे हर चीज अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है ये मेरे लिए क्रेडिट है की आप मेरे बारे में आपके ये अल्फाज। नहीं नहीं, हमें हमेशा हमेशा से और इंशाल्लाह हमेशा तक। अच्छा, मुझे बताएं कंपोजिशंस कैसे नाजिल हो जाती हैं आप पे, इतनी खूबसूरत है नहीं जोगिया, ठीक है कलाम भी बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि इसका कोई टाइम नहीं होता, आमद होती है। कई दफ़ा ये भाई बैठे हैं, पूरी पूरी रात गुजर जाती है, आप कुछ नहीं बना सकते, तो बस एक लम्हा होता है, तो उस लम्हे में आपने कुछ करना होता है तो वो कर, क्योंकि ये चीज़ें आपको किसी शॉप से तो मिल नहीं रही होती। हाँ। आपने एक ये नई चीज़ तख्लीक करनी है और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। हमारे मुल्क में तो ऐसे लोगों की वो नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ तख्लीक कर रहे हैं और ये छोटी बात नहीं होती। और कितने लोगों के दिलों की, एहसास की, जज्बात की, सोच की तर्जमानी कर रहे हैं। मैं उस दिन बातों बातों में याद आ गया, मेरा एक कहीं शो पे किसी जगह पे एक शो था, तो अब ये चलो कोई गल नहीं लास्ट सॉन्ग था, मैं भी थका हुआ था, तो मेरी कोशिश थी मैं इसे शॉर्ट करूँगा क्योंकि ये 11 मिनट का सॉन्ग है। अब मेरी नज़र पड़ी एक सामने एक बंदे पे, गरीब बंदा था कोई, उसके हालात बता रहे थे कि ये, लेकिन मैंने देखा कि वो सही उसमें मैं हुआ हुआ था, बड़ा इन्जॉय कर रहा था। अच्छा, मैंने उसे देखा तो मैंने कहा यार बात सुनो, अगर तुमने गाना खत्म किया चलो इसको शायद ये 11 मिनट ही इसके सुखी हों, तो यकीन करें वो सॉन्ग मैंने पूरा गाया। मैंने कहा इसका मजा कर करा ना हो, पता नहीं बाद में ये इसको खुशी कहीं मिलती है नहीं मिलती, जो उसके हालात मुझे नजर आ रहे, तो मैंने कहा चलें ये 11 मिनट तो खुश है, वो सॉन्ग मैंने फिर पूरा उसके लिए गाया, अलग उसको पता भी नहीं होगा ये। बस अल्लाह जो है ना जो किसी की रखता है ना, अल्लाह भी उसकी फिर लाज भी रखता है, शर्म भी रखता है, इज्जत भी रखता है और इनाम भी देता है, यही तो उसका करम है और यही उसके करम के फैसले हैं। ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का, इंसानों नहीं रखते लोग तकब्बुर में, हसद में, बड़ा बड़ा कुछ नहीं रखना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके और मेरी बड़ी आज मजे से मैंने शो किया, मैंने भी बड़ा लुत्फ किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए और इंशाल्लाह आपसे जिंदगी रही तो मुलाकात का सिलसिला रहेगा। मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप सबको भी बहुत मजा आया होगा। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी वीकेंड एट ग्लोबल के किसी और एपिसोड के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और जाते जाते जी दिलदार साहब ने तुझे खुश करना है यार, पिंडीदा
दिलदार पिंडी दा इन्हां नूं ओह नहीं खुश कर सके दिन इन्हां नूं अल्लाह ही खुश करे अल्लाह ही खुश करे मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा बड़ी धूम पिंडी दी सोना शार पिंडी दा ओ मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा वसीम असां गम वल जाए